कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सबूत केवल एक नेता के भ्रष्टाचार का नहीं है बल्कि पूरी सरकार के समय चल रहे रैकेट का है, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। दरअसल सीबीआई ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने 50 लाख रुपए की घूस के बदले चीन के 250 लोगों को भारत का वीजा दिलवाने में मदद की। ये लोग पंजाब में चल रहे एक प्रोजेक्ट के लिए काम करने आए थे। इस संबंध में सीबीआई ने उनके खिलाफ एक नया केस भी दर्ज किया है और दिल्ली से चेन्नई तक सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के अनुसार पंजाब के तलवंडी सावो पावर प्रोजेक्ट में साल 2010 से 14 के बीच चीन के नागरिकों को काम करने के लिए भारत आना था। इसके लिए वीजा की जरूरत थी। उस समय यूपीए 2 की सरकार थी। पी चिदम्बरम 10 साल के मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। साल 2004 से 8 तक वो वित्त मंत्री बनाए गए, लेकिन 2008 में उनसे वित्त मंत्रालय छीन लिया गया। इसके बाद साल 2008 से 12 तक वे देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन बाद में उन्हें फिर से वित्त मंत्रालय भेज दिया गया और साल 2012 से 14 तक वो फिर से वित्त मंत्री बनाए गए। मतलब जिस समय का जिक्र सीबीआई ने वीजा रैकेट के लिए किया है, उस समय पी चिदम्बरम वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे थे। सीबीआई का कहना है कि इस दौरान चीन के 250 लोगों को तलवंडी सावो पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए भारत का वीजा देने के बदले पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने 50 लाख रुपए घूस लिए। दरअसल तलवंडी सावो पावर प्रोजेक्ट का काम चीन की एक कंपनी शानडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स को दिया गया था, लेकिन वो समय पर काम पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण कंपनी को लगा कि चीन से कुछ और लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय चीन की कंपनियों में काम करने वाले लोगों के वीजा देने की सीमा निर्धारित कर रखी थी। इसके कारण चीन की कंपनी ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकती थी। इसलिए चीनी कंपनी ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से संपर्क किया और कार्ति ने अपने पिता के माध्यम से 263 प्रोजेक्ट वीजा क्लियर कराया, जिसके लिए चीनी कंपनी ने उन्हें 50 लाख रुपए दिए। अब सीबीआई ने इस मामले में एक अलग केस दर्ज किया है और चिदम्बरम बाप बेटे को जेल भेजने की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि अब तो सीबीआई चिदम्बरम के गृह मंत्री होते हुए जारी किए गए सभी प्रोफेशनल वीजा की जाँच करेगी और वीजा रैकेट चलाने वाले बाप बेटे को जेल की हवा भी खिलाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।